मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। सिरे ले रहे हैं बोले भी तू आगे भी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ सर। ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिशल जी प्लीज। नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। हम इस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय की आर्ट्स फैकल्टी पर मौजूद हैं। संसद के स्पेशल सत्र के दौरान भाजपा के एमपी रमेश भिदुड़ी ने, जैसे बसपा के दानिश अली को जो कि खुद भी एक सांसद हैं, उनको उनके धर्म की वजह से जो गालियां दी थी, उनको आतंकवादी कहा था और भी कई सारे धार्मिक गालियां उनको दी थी, उसके खिलाफ आज दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र संगठन हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि डिस्क्वालीफाई किया जाए रमेश भिदुड़ी को। एक और चिंता की बात यह है कि आप देखिए कि रमेश भिदुड़ी जब ये सारी बातें बोल रहे थे तो उनके पीछे बैठे हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद जो कि खुद भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। इसी के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने यहां प्रदर्शन किया है। हमने उनसे बात की है और जानने की ये कोशिश की है कि इन सब बातों को जब संसद में बोला जाता है तो उसका कैंपस में और जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ता है। देखिए न्यूज क्लिक की ये रिपोर्ट। जैसा अलग अलग वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, पार्लियामेंट में एक इलेक्टेड संसद किस तरीके की भाषा एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए यूज़ करते हैं और उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करी जा रही है। तो हम एज कंसर्न स्टूडेंट्स जो देश में सांप्रदायिकता जो फैलाई जा रही है उसके खिलाफ आज अपना प्रोटेस्ट करने, अपनी आवाज़ उठाने यहाँ इकट्ठा हुए हैं जी। कैंपस में कुछ स्टूडेंट तो ज़रूर इसको समझते हैं कि ये जो किया जा रहा है वो गलत है। जहाँ तक चुनाव का मामला है, हम देखते हैं हर साल ही, अभी इस साल 3 साल बाद इलेक्शन हुआ है, लेकिन हम डीयू में जो लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि कैंपस इलेक्शन होने के 1 महीने पहले से बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये जो एबीवीपी के गूंज हैं वो कैंपेन करते हैं और लोगों की मार पिटाई करते हैं और पूरा एक मसल और मनी पावर के स्ट्रेंथ के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करके डीयू के इलेक्शंस किए जा रहे हैं जो कहीं से भी रूल्स फॉलो करके नहीं होता है। तो वो एक उनका तरीका है जो वो देश में कर रहे हैं वही डूसू के इलेक्शन में करते हैं ये इलेक्शंस जीतने के लिए। लेकिन उसके दूसरी ओर जो प्रोग्रेसिव संगठन है, जो लेफ्ट के संगठन है, उनकी ये जिम्मेदारी, और हम यही मानते हैं कि कैंपस में जो डेमोक्रेसी पे हमला हो रहा है वो देश में डेमोक्रेसी पे जो हमला है उससे एक बहुत ही करीबी एक लिंक है। तो इसको एक्सपोज करते हुए इस तरीके के मुद्दे लगातार निरंतर कैंपस में उठाने होंगे ताकि जो पहले के समय के डीयू में हम देखते थे कुछ घटना होने से 500 से 1000 स्टूडेंट इकट्ठा होते थे, उस तरीके का माहौल फिर से आज लाने की ज़रूरत है, वरना ये मसल और मनी पावर की पॉलिटिक्स ही आने वाले दिनों में डीयू में हम देखेंगे। तो इसलिए ही इस तरीके के कदम लगातार उठाने की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि कैसे जब पीछे लोगों ने डेमोक्रेसी की बात की, मणिपुर की बात की, अडानी स्कैम के बारे में बात की तो उनको संसद से निकाल दिया जाता है। यहाँ पे इतना आपत्तिजनक भाषण दिया गया, हेट स्पीच की गई पार्लियामेंट में, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो मैं बोल भी नहीं सकता और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज ये सारी जो हवा भी बनी है वो इसलिए बनी है क्योंकि वीडियो लीक हो गया है। अगर ये वीडियो लीक ना होता तो कोई भाजपा या कोई भी इसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करता, अभी भी नहीं कही है। क्यों? क्योंकि यही जो रमेश भदुरिया, यही भाजपा का असली चेहरा है। उसके पीछे हम देख रहे हैं जैसे हर्षवर्धन हो, राजनाथ सिंह हो, हंस रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा था ऐसे भाषण को सुन के, क्योंकि ऐसे जो भाषा का प्रयोग है भाजपा के नेता डेली करते हैं संसद। अब उन्होंने संसद में करना शुरू कर दिया होगा, वो देशी सड़कों में करते हैं, वो 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 खड़े होके मुस्लिम्स का इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात करते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। बस ये पहली बार संसद में हुआ है और यही जो रमेश भदुरी ने जो बोला है यही भाजपा का असली सच्चा है, इसलिए वो उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले रहे क्योंकि यही उनकी रणनीति है। वो शिक्षा की बात नहीं करते, वो रोजगार की बात नहीं करते, वो इकोनॉमी की बात नहीं करते, वो मेरे जैसे युवाओं के भविष्य की बात नहीं करते। उनका वन वर्ल्ड एजेंडा है इस देश को बांटना, इस देश के हिंदू मुसलमान या अलग अलग समुदाय के लोगों को बांटना और हिंसा फैला के अपनी रणनीति को करना,
और हमारी मांग बहुत क्लियर कट है कि रमेश भदूरी की जो ऐसा भाषण दे रहे हैं, कोई भी ऐसा अन्य व्यक्ति जो सोचता है कि पार्लियामेंट में ऐसी भाषा ठीक है, ऐसी हेट स्पीच फैलाना ठीक है, उसकी जगह ना तो पार्लियामेंट में है, और ऐसा कोई व्यक्ति ये भी सोचता है कि वो ऐसी भाषा का प्रयोग जनता के बीच में कर सकता है, हमारे समाज में कर सकता है, तो उसकी जगह हमारे समाज में भी नहीं रह सकती। इन सब चीज़ों का बिल्कुल विरोध करना चाहिए, स्टूडेंट्स को विरोध करना चाहिए, जितने भी कॉमन नागरिक इस देश में जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, पीस में मानते हैं, उनको साथ खड़े होके इसका विरोध करना चाहिए। मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी का वो ऐसा आखिरी अंतिम दिन होगा जब ये सब बोल लेने के बाद रमेश भदूरी फिर से आएंगे पार्लियामेंट में और उस कुर्सी पर बैठेंगे, तो मुझे लगता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की रूह कांप जाएगी जो ऊपर से बैठ के बनाए हुए उनके हाथों से एक एक डेमोक्रेसी के एक एक वर्ड DEMOCRACY को जो जोड़ के उन्होंने दीवार बनाई थी, वो दीवार उस दिन एक एक ईंट ढह जाएगी दोबारा जिस रोज़ रमेश भदूरी आके कुर्सी पर बैठेंगे। If an MP will be saying something slurs from the parliament, our audience which do not know many things, like who are not aware of every instances happening in the country, they will be have a vague picture about what will be happening. Like they will certainly a section of people will think those are right things. जैसा कि आप पहले देखते आ रहे होंगे कि कुछ भी बिल पे कोई आम आदमी पार्टी का सांसद कुछ बोलता तो सस्पेंड कर दिया जाता हो, है कि नहीं, दूसरे TMC के सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता हो किसी बिल पर चर्चा करने के इशू पे, और ये डायरेक्ट एक तरह से ठेठ दिया गया और ऐसे अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया और उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, इससे साफ दर्शाता है कि भाजपा कहीं ना कहीं इस चीज़ को मौन रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इसका समर्थन कर रही है। मांगे यही है कि रमेश भदूरिया को निकाला जाए पार्लियामेंट से, क्योंकि बाकी जो मेंबर जिन्होंने मणिपुर वायलेंस पे अकाउंटेबिलिटी मांगी या टमाटर के बढ़ते प्राइसेस पे अकाउंटेबिलिटी मांगी, अदानी पे बात करी, उनको नहीं बात करने दिया गया, उन लोगों को निकाल दिया गया। लेकिन आज जब एक हेट स्पीच का यूज़ होता है तो फिर उसको उस पर कोई एक्शन नहीं ले जाता, उसको बस एक वार्निंग लेटर दे दिया गया है। इसीलिए हमारी मांग यही है कि उनको निकाला जाए पार्लियामेंट से, वो डिज़र्व नहीं करते हैं, वो सिटीजन्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं पार्लियामेंट में अगर इस तरीके का बात करते हैं तो।